एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज होने वाला है अमेजॉन ब्यूटी हॉल, जिसमें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत अमेजिंग चीजें जो मेरी काफी फेवरेट हैं। और कई बार मैं अपने हेयर स्ट्रेटन अप करती हूँ, जैसे कि मैंने अभी हल्के से स्ट्रेटन अप किए हुए, ज्यादा तो नहीं, बट इतना बढ़िया है ये मेरा स्ट्रेटनर के एक ही बार में, मतलब एक दो बार में आपके बालों को इतना सपल स्मूथ बना देता है। तो उसी से मैंने अपने आगे के फ्लेक्स को स्ट्रेट किया। और जब भी मैं स्ट्रेट करती हूँ, मुझे कई लोगों ने पूछा है कि आपने किससे स्ट्रेट किया, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो ही बना देते हैं, कुछ अपनी फेवरेट चीजें शेयर कर देते हैं। और अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों के हिसाब से भी मैंने कुछ चीजें मंगवाई हैं, जैसे कि ये पियर्स सोप, ये मेरे घर में काफी यूज होता है और ये सबको बहुत ज्यादा पसंद है मेरे घर में, बिकॉज पियर्स सोप यानी मतलब सर्दियों की क्या बोलते हैं बेस्ट सोप है, बचपन से यूज करती चली आ रही हूं मैं। इसके अलावा मुझे कोई सोप अच्छा नहीं लगता है, तो सर्दियों में तो मेरे यहाँ पे यही आता है। तो ये पूरा बड़ा वाला पैक मैंने मंगवाया है, बाय 500 ग्राम एंड गेट 125 ग्राम फ्री, प्योर एंड जेंटल, लुक यंग स्टे यंग, 98% प्योर ग्लिसरिन नेचुरल ऑयल्स। तो कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे पियर सोप यूज ना होता हो। तो इसके अंदर कितने पता है, 1, 2, 3, 4, 5 का पैक है। और अब ये मेरे घर में यूज होने वाला है पूरी सर्दियाँ। देखिए बिल्कुल नया पैक है, और जब भी ख़त्म होता है जनरली मैं पियर सोप मंगवा ही लेती हूँ, अमेजोन पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो वहीं से मैं ऑर्डर करती हूँ। तो यहीं से वहीं से आया। जितनी भी चीज़ें आज मैं शो करने जा रही हूँ, कुछ ज्वेलरी पीसेज भी हैं, जैसे कि एकदम फैशन नेकलेस टाइप है जो ऐसे गाउन वगैरह में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये भी मैंने अमेजोन से मंगवाया, और अमेजोन पे फैशन नेकलेसेस बहुत अच्छे मिल जाते हैं, सस्ते बढ़िया मिल जाते हैं। आज का मेकअप भी जो मैंने किया है वो वहीं की पैलेट से किया है, जो कि मैं पहले आपके साथ एक अमेजोन के हॉल में शेयर कर चुकी हूँ। ये लिपस्टिक का शेड मेबेलिन का है, जो मैंने थोड़े दिन पहले आपके साथ अमेजोन हॉल में ही आई थिंक शेयर किया था या किसी और वीडियो में किया होगा, तो लाइक ये भी वहीं का है। सो ज्यादातर चीजें मेरी अमेजोन की ही होती हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चीज तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, दूसरी सर्दियों की चीज मैंने मंगाई है, गुलाब जल। जी हाँ, ये है डाबर का गुलाब वाली, और ये मुझे दो का कॉम्बो पैक मिला है। मैंने एक मंगवाया था लेकिन मुझे दो मिल गए, वो इतने बड़े बड़े, तो ये मेरे अब चलने वाले हैं। सर्दियों में इसे कैसे यूज करती हूँ आप सोचेंगे, सर्दियों में इसका क्या यूज है? रोज वाटर जो होता है हमारी स्किन को टाइटन अप करता है, यानी कि स्किन को लाइक यू नो जवान रखने में मदद करता है। आपकी स्किन कसी हुई रहती है, कसाव लाता है स्किन में, अगर आप किसी चीज़ में मिक्स करके लगाते हो, चाहे आप फेस पैक में लगा लो, या जैसे कि मैं क्या करती हूँ कभी कभी जब मैं मलाई से मलाई ताज़ी मलाई से जब मैं मसाज करती हूँ फेस की, जो कि मैंने आज सुबह में की थी और ग्लो आप देख सकते हो, आज मॉर्निंग में मैंने मलाई से मसाज की थी जिसका ये ग्लो है, तो तब मैं उसमें मिक्स करती हूँ, या तो फिर जो मेरा बॉडी लोशन है कई बार मैं उसमें मिक्स कर लेती हूँ। और हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड टोनर एज वेल। नहाने के बाद आपका फेस वॉश करने के बाद आप इसे जो है स्प्रिंकल कर सकते हो आपके फेस पे, और मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ है, चाहे तो आप रूम टेम्परेचर भी रख सकते हो। रोज वाटर के बहुत सारे फायदे हैं और विंटर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसके फायदे। सो ये मैंने दो का कॉम्बो पैक मंगवाया है अमेजन से अगेन। एक और हम लोगों का प्रॉब्लम होता है, वो होता है ये जो आगे आगे से हमारे ग्रेज दिखने लगते हैं, ये सभी को प्रॉब्लम होता है ना? तो जब भी हमें किसी फंक्शन में जाना होता है, कई बार होता है कि यहाँ आगे आगे ग्रे दिखाई देने लगते हैं, फिर हम सोचते हैं अरे यार अब क्या करें इसको कैसे छुपाएं। तो वैसे तो मैं इसका वीडियो भी आपके साथ अलग से भी शेयर कर चुकी हूँ, रिव्यू वीडियो, लेकिन यहाँ पे भी दिखाना बनता है। तो ये है लॉरियल पैरिस का मैजिक रीटच, और ये अमेजन पे अवेलेबल है, और ये एकदम इंस्टेंट सोल्यूशन है। मतलब इसको कुछ भी नहीं करना, आपको बस शेक करना है ऐसे, और अगर आप सपोज कहीं पार्टी में जा रहे हो या शाम को बाहर खाना खाने जाने वाले हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आपके पर्स में भी रह जाएगा, पॉकेट फ्रेंडली है, पर्स फ्रेंडली है और ट्रेवल फ्रेंडली है, तो आप इसे ले जाओ और कुछ नहीं करना, बस हिलाना है। और सपोज आपको भी कई बार होता है ना हेयर कलर करने का मन नहीं करता, जैसे मैंने ही नहीं किया बहुत टाइम से, मेहंदी से काम चला रही हूँ, लेकिन आगे के जो ग्रेज है वो जरूर दिखते रहते हैं, तो यहाँ से आपको ऐसे स्प्रे करना है, ये देखिए, ठीक है। और आप जैसे स्प्रे करोगे, ये पूरा का पूरा जो आपका हेयर है वो यहां से पूरा टेम्परेरी बिल्कुल आपके कलर में मिक्स हो जाएगा। इसमें दो शेड आते हैं, ब्लैक आता है, डार्क ब्राउन आता है, मेरे पास डार्क ब्राउन है। और नेक्स्ट टाइम आप शैम्पू करोगे वहां तक ये चलेगा, बिल्कुल नेचुरल लगता है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, एकदम नेचुरल लुक आता है इसको करने के बाद। सो ये मैंने मंगवाया अमेजन से। इसके बाद अमेजन से मंगवाई एक बहुत अच्छी चीज जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छी है, ये है लॉरियल का रीविटा लिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस स्मूदनिंग एंड रेडियंस के लिए। और ये एक वाटर टाइप आता है, देखिए इसका जो कंसिस्टेंसी है दैट इज लाइक वाटर, वाटरी है। और ये मेरा दूसरा बॉटल है, और ये बहुत ही अच्छी तरह से आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, जिसकी वजह से इतनी अच्छी सी चमक भी बनी रहती है स्किन पे, और एक एज के बाद बहुत ज़्यादा जरूरी होती है ऐसी चीज़ें यूज़ करनी। तो बस इसको कुछ भी नहीं करना, आपको बस नहाने के बाद एज अ सिरम यहाँ से लेना है और बस यूज़ कर लेना है। दिस सो सिंपल टू यूज़ एंड वेरी लाइक यू नो वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर स्किन, वेरी लाइक यू नो हाइलुरोनिक एसिड भी है इसके अंदर, आई थिंक दोनों टाइम आप यूज कर सकते हो। और लॉरियल के प्रोडक्ट्स
व्हाट टू से, एवरीवन नोज दैट इज द बेस्ट. मतलब सो ये बॉटल होनी चाहिए आप लेडीज के पास. सो मेक श्योर आप लोग नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक चेक कर लेना. सारी लिंक भी छोड़ूंगी, माई हॉल स्टोर लिंक भी छोड़ूंगी और वहां से आप बाय कर सकते हो. थोड़ी सी बात हो जाए, हेयर टॉक हो जाए, मतलब बालों की बात हो जाए, तो मैं जनरली जो यूज़ करती हूँ मेरे बालों को स्ट्रेटन अप करने के लिए, आई ऑलवेज यूज दिस वन. ये अमेजन पे अवेलेबल है और ये है फिलिप्स का, या फिलिप्स का आई थिंक सिल्क या क्या इसका नाम है एक, मैं लिंक छोड़ूंगी नीचे. सो इसको मैं यूज़ करती हूँ. इट्स वेरी इजी टू यूज़. आप इसको लगा दो, प्लग कर दो, यहाँ से देखिए इस तरह से प्लग है, यहाँ कर दो और यहाँ पे एक बटन है ऑन ऑफ, इसको ऑन ऑफ कर दो, यहाँ लाइट जल जाती है एंड देन नथिंग यू हैव टू डू, जस्ट लाइक दिस यू हैव टू स्ट्रेटन योर हेयर. जबकि अभी ये गर्म नहीं है, मैंने सिर्फ आगे की फ्लिक्स किए हैं. आप ये ना सोचे मैंने पूरे हेयर स्ट्रेट किए हुए हैं, पूरे हेयर नहीं किए. पूरे हेयर तो जैसे मेरे नेचुरल है, एक्चुअली कॉम भी नहीं किए मैंने शैम्पू करने के बाद. आज कॉम के बिना के हेयर हैं ये मेरे. सो ये मैंने आगे के फ्लिक्स को किया था और आप अक्सर देखते होंगे मैं आगे के फ्लिक्स को जब भी करती हूँ बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेटन अप होते हैं. सो आई ऑलवेज यूज दिस वन. कई लोग पूछ रहे थे मुझे, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक छोड़ूंगी, आप चेकआउट जरूर कर लेना. आपको बता ही दिया कि स्ट्रेटन अप करने के लिए मैं क्या यूज करती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी छोड़ूंगी, सो डू चेकआउट और आपको खरीदा खरीद सकते हो. इसके बाद कुछ ज्वेलरी पीस मंगवाए हैं. पहला है ये वाला, इसके साथ छोटे छोटे से इयररिंग्स भी आए हैं. एकदम नन्नू से इयररिंग है तो मुझे डालने ठीक नहीं लगे. मतलब इसके ऊपर ये वाले इयररिंग मुझे थोड़े छोटे से लगे और छोटू से हैं तो मैंने खाली नेकलेस डाले. नेकलेस बहुत अच्छा है, बिल्कुल फैशन नेकलेस टाइप है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है. मतलब वेस्टर्न पे भी पहन लूँ तो बहुत अच्छा लगता है. इसके बाद एक और मैंने पीस मंगवाया है, वेरी प्रिटी, बहुत ही प्यारा है. और हर बार जैसी ज्वेलरी में मंगाती हूँ ना, इससे थोड़ी सी डिफरेंट मंगाई है. इससे मुझे मिला है एक ब्रेसलेट जो कि कुछ इस तरह से पहना जाएगा. यो है ना सुंदर. और इसके साथ में मुझे मिली है प्यारी सी रिंग. सब कुछ साथ का है, मतलब एक रिंग है, एक ब्रेसलेट है, एक ये है पेंडेंट एंड चेन और इयररिंग्स हैं साथ के. छोटू से इयररिंग है, बहुत प्रिटी है, हार्ट शेप के हैं और ये रिंग भी बहुत ही प्यारी है. लग रहा है ना खूबसूरत. और ये वाला जो ये है ना, ये भी बहुत प्यारा है. ये देखिए पैंडेंट सेम जैसी रिंग है, जैसा ब्रेसलेट है. आप देख ही सकते हो कि रिंग और ब्रेसलेट जिस तरह से आप इसे छोटा भी कर सकते हो दबा के और बड़ा भी कर सकते हो आप इसे. तो ये देखिए ब्रेसलेट बहुत ही सुंदर लग रहा है, साथ की बिल्कुल रिंग है और बिल्कुल साथ का आप देखो ये नेक पीस है, छोटा सा पेंडेंट और चेन जो कि पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगने वाला है ये भी. और साथ में छोटे छोटे से इयररिंग्स ऐसे ही हैं जैसा कि पेंडेंट आप देख सकते हो. सो बिल्कुल साथ की हैं सारी चीजें, बहुत ही प्यारा सा सेट है. बाद एक और नेक पीस है जो कि अगेन देखिए इस तरह की कुछ रिंग है और ब्रेसलेट भी है इसमें, कुछ ऐसा सा ब्रेसलेट है इसमें. जस्ट वेट आई शो यू. आप इसको ऐसे पहन सकते हो और इसको इस तरह से टाइट कर सकते हो देखें, और यहां से हो जाएगा ये टाइट. जितना भी आपको टाइट करना है यहां से टाइट कर लो. तो ये देखिए कितना सुंदर ब्रेसलेट और रिंग है, सेम सेम और बिल्कुल सेम ही तरह का है. मतलब इसमें भी वही है, इयररिंग मिल रहे हैं आपको और पेंडेंट और चेन मिल रहा है. तो आप देख सकते हो यहां पे देखिए लग रहा है ना सुंदर एकदम. मतलब बहुत ही डेलिकेट वाली ज्वेलरी इस बार मैंने पसंद की है. बाकी हर बार मैं आपके साथ बड़े बड़े नेकलेसेस शेयर करती हूँ अमेजोन से, लेकिन इस बार मैंने बहुत ही डेलिकेट सी ज्वेलरी पसंद की है. दिस इज सो प्रिटी एंड ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारा है इसका स्टाइल और ये भी सब बहुत प्यारा है. और इसके इयररिंग मुझे बहुत अच्छे लगे, थोड़े से बड़े इयररिंग्स हैं इसी तरह के, तो काफी प्यारा सा ये भी सेट है. ठीक है, बस मेरा आज का अमेजोन ब्यूटी हॉल. आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना. मेक श्योर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप शॉपिंग. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे इंक्लूडिंग दिस नेकलेस एंड एवरीथिंग एंड माय हॉल स्टोर लिंक भी मिलेगा. डू चेक आउट माय कलेक्शन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.